नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप सबसे एक सवाल पूछता हूं। किसी भी जंग, किसी भी वॉर को जीतने के लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी है, दिमाग या मसल पावर? आप में से बहुत लोग दिमाग बोलेंगे, बहुत लोग मसल पावर बोलेंगे, बट कुछ लोग बोलेंगे दिमाग एंड मसल पावर। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं बात कर रहा हूं ऐसे एक कॉलेज की जो दिमाग लगाना भी सिखाता है और मसल पावर यूज करना भी सिखाता है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन आर्मी के आईआईटी इंस्टीट्यूट के बारे में। असल में इसका नाम आईआईटी इंस्टीट्यूट नहीं है, इसका नाम है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। बहुत लोग इसे स्टाफ कॉलेज बोलते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप स्टाफ कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति आवश्यक है। 3 मिनट अपने दीजिएगा और आपको जिंदगी भर डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के बारे में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो 1905 में ब्रिटिश आर्मी ने एक ऐसी संस्था बनाई जो वॉर लाइक सिचुएशंस में आर्मी के ऑफिसर्स को, ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेन करता था कि वॉर लाइक सिचुएशंस में कैसे दिमाग और मसल का सदुपयोग करना है। कुछ सालों बाद यह संस्था पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई, क्योंकि उन दिनों भारत पाकिस्तान एक ही देश हुआ करता था, हिंदुस्तान। अब 1947 में जैसे ही सेपरेशन हुआ, ये संस्था जवाहरलाल नेहरू जी ने वापस भारत लाई और इसको ऊटी के पास वेलिंगटन में शिफ्ट कर दी गई। वेलिंगटन इसलिए चुना गया था क्योंकि वहां पे वेदर बहुत अच्छा था, हिली टेरेन था, बहुत शांति थी। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज उस दिन से वेलिंगटन में स्थित है। भारत का पहला बैच 1948 में इंडियन आर्मी का था, 1949 में भारतीय वायुसेना के अफसर भी जुड़ गए, 1950 में भारतीय नौसेना के अफसर भी। तब से इसको बोला गया डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। पहले आर्मी स्टाफ कॉलेज बोला जाता था, बट अब 1950 से इसका नाम रखा गया डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का मूल कर्तव्य था यूनिटी की ऊपर इंपॉर्टेंस फोकस करना। उसका मूल एम था कि जॉइंट ऑपरेशंस हों, आर्मी एयरफोर्स नेवी के जॉइंट ऑपरेशंस हों, ताकि जंग जैसी सिचुएशंस में जीत हो सके। इसलिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज पहले दिन से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जॉइंट ऑपरेशंस एंड स्टाफ वर्क के मोटो पे काम करता है। वो बताता है कि एकता से ही जंग जीती जा सकती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, इस स्टाफ कॉलेज में पहुंचने के लिए हर एक आर्मी एयरफोर्स नेवी के ऑफिसर को बहुत कड़ी मेहनत देनी होती है और टोटल 3 ही अटेम्प्ट्स होते हैं। 3 अटेम्प्ट्स में अगर ऑफिसर्स का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टाफ कॉलेज का नहीं निकला तो उनका स्टाफ कॉलेज का सपना अधूरा रह जाता है। एक ऑफिसर जब स्टाफ कॉलेज से होके आता है तो उसका चांसेस ऑफ प्रमोशन, उसका संस्था का जो ट्रस्ट होता है, आर्मी एयरफोर्स नेवी का जो ट्रस्ट होता है, उन पे और बढ़ जाता है और जिम्मेदारी मिल जाती है और ओवरऑल और लोगों को वो कमांड करते हैं। इसलिए ये स्टाफ कॉलेज हर एक सेना का, अफसर का एक सपना होता है, चाहे वो आर्मी के ऑफिसर्स हों, एयरफोर्स के ऑफिसर्स हों या नेवी के ऑफिसर्स हों, सबका सपना होता है स्टाफ कॉलेज में पहुंचना। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।